अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के फायदे क्या हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, वजन कम करने के लिए बेहतरीन होती है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं 25 से ज्यादा जो रिसर्चेस की गई ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े फूड स्पेशलिस्ट रिसर्च करते हैं, उन 25 रिसर्चेस का जो रिव्यू निकाला गया, उस रिव्यू में पता चला कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और आपको पता है डिफरेंट तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। आज मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, किस तरीके से तेजी से वजन कम कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। ओवरव्यू क्या है, देखें जनाब, तीन तरह की इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं किसको, कि एक ऐसी विंडो पूरे दिन में 24 घंटे में जिस वक्त आप खाना नहीं खाते, आप रोजा रखते हैं। जैसे आपको पता है माशाल्लाह से हमारे तो इस्लाम में रोजे हैं, और एक महीने हम पूरे रोजे रखते हैं, और हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, हमारी बॉडी हेल्दी भी होती है। लेकिन करते क्या है, हम उसमें बस तलावा बहुत खा लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये गलत हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है जिसमें आप पूरे दिन का या आधे दिन का या हफ्ते में कुछ दिन का रोजा रखते हो, जिसकी वजह से आपका ना सिर्फ वजन तेजी से कम होता है, बल्कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होती है। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या होती है, यानी कि आपके पूरी बॉडी के जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो तेज हो जाते हैं, और आप सोते जागते उठते बैठते तेजी से वजन कम कर रहे होते हो। सही है, तो ये किस तरीके से होता है मैं आपको पूरा समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं, ये जो स्टडी की गई इसमें तीन रिव्यूज निकाले गए। पहला रिव्यू जो था वो ये था कि जी अगर आप ऑल्टरनेट डेज की इंटरमीडिएट फास्टिंग करो तो तकरीबन 3% तक आपकी बॉडी का फैट आप ज्यादा जल्दी तेजी से कम करते हो। फिर तक अगर आप 5-7 दिन में 2 दिन की इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, 5 दिन की ना करो, तो 3-8% कम करते हो। इसी तरीके से था कि अगर आप किसी भी पूरे दिन के अंदर, तीसरा जो मेथड है कि किसी खास वक्त ना खाओ और खास वक्त खाओ, तो भी आप खासा वजन कम करते हो। यानी कि क्या हो गया, एक तो हो गई ऑल्टरनेट डेज की, एक दिन रोजा रखो एक दिन खाओ, एक दिन रोजा रखो, वो कैसे हो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहे। एक होता है कि हफ्ते में 2 दिन आप रोजा रखते हो, 5 दिन आप नहीं रखते हो, ठीक है। और एक होता है कि आप 12 घंटे खाना नहीं खाते, या 16 घंटे खाना नहीं खाते, 8 घंटे खाना खाते हो, 12 घंटे खाना खाते हो, ठीक है। एक तरीके का ये होता है, हम तीनों तरीके पर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं ज्यादातर जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ ना, जब मैं आपको आगे पूरा डाइट बताऊंगा, तो देखें होता क्या है, मैं ज्यादातर 12-12 की इंटरमीडिएट फास्टिंग लोगों को करवा रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताता हूं, आपने सुना होगा, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, कि हमारे पैगंबर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पीर का और जुमेरात का रोजा रखते थे, हफ्ते में 2 दिन का रोजा रखते थे। मेरी नजर से अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग है 5:2 वाली, यानी कि आप 2 दिन रोजा रखें, 5 दिन आप खाना खाएं। अच्छा, 2 दिन जो रोजा रखते हैं वो भी तकरीबन 12 से 15 घंटे का रोजा रख लो, उसके बीच में आप ग्रीन टी पी सकते हो, उसके बीच में आप कम चीनी की चाय पी सकते हो, चीनी ना लो तो बेहतर है, बल्कि चीनी ना लो, गलत बोल रहा हूं मैं, आप उसके बीच में ग्रीन टी पी सकते हो, आप उसके बीच में क्या कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज पी सकते हो जिसमें चीनी ना हो, अदरक का कहवा हो गया, या जिंजर टी हो गई, या फिर अपना जैसे जीरा वाटर हो गया, लेकिन आप खाना नहीं खाते उन 15-20 घंटों में, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दिन आप इस तरह का रोजा रखो, ये आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये बेहतरीन है। और बाकी भी जो बाकी के जो 5 दिन है ना, उसमें आप एक काम करो कि इस फास्टिंग के साथ एक फास्टिंग को मिला लो जो कि है 12:12। उसमें क्या होता है कि आप तीनों मील 12 घंटे में ले रहे हो, बाकी के 12 घंटे आप खाना नहीं खाते। वो कैसे होता है मैं आपको समझा दूं, भूखा नहीं रहना पड़ता उसमें, आप उठने के आधा घंटे में नाश्ता कर लेते हो। मिसाल देता हूं मैं आपको, सुबह आप 9 बजे उठे, आपने 10 बजे तक नाश्ता कर लिया, ठीक है, 10 में 5 घंटे प्लस करो, यानी कि आपके हो जाएंगे दोपहर के 3 बजे तक आपने दोपहर का खाना खा लिया, उसमें 5 से 6 घंटे प्लस करो, तो ये बच जाते हैं शाम के 3 और 3, 6 और 9 बज जाते हैं तकरीबन। 9 बजे तक आपने रात का खाना खा लिया। अब अगर आप रात को 12 बजे भी सो रहे हो, 1 बजे भी सो रहे हो ना, तो मैं आपको ये पाकिस्तानी अंदाज में बता रहा हूं आपको, आपने 12 घंटों में तीनों खाने खा लिया, यानी कि नाश्ता, उसके 5 घंटे बाद दोपहर का खाना, उसके 5 घंटे बाद रात का खाना, ये 3 खाने अगर आप इस तरह से खा लेते हो, तो हो गई आपकी 12-12 की इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसके बीच में स्नैकिंग ना करो, जैसे आपका फास्ट का विंडो शुरू हो गया उसके बीच में कुछ भी ना खाओ, सिर्फ ग्रीन टी पियो, जैसे कि मैंने बताया मशरूबात ले सकते हो बगैर चीनी के, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो है मेरा पर्सनल वेट लॉस डाइट प्लान, जिससे काफी हजारों खवातीन, हजारों कह सकता हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूब पे देखती हैं, कुछ मुझसे पर्सनली डाइट प्लान लेती हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ, हजारों खवातीन ने वजन कम किया। आजकल डिस्काउंटेड डील्स भी लगाई हुई है, बल्कि मैं आपको डील बता देता हूँ, ये देखिए एक डील बनी हुई आ रही है, डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, ये दूसरी डील बनी हुई आ रही है, और ये तीसरी डील बनी हुई आ रही है, तमाम डील्स आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इसमें काफी जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, जिसमें कामोबेरी पाउडर है, माचा टी है, चिया सीड, आपका वजन तेजी से कम करते हैं, आप ये डील डिस्काउंटेड ले सकते हैं, वरना कम से कम मेरा खाली डाइट प्लान ले सकते हैं, जो 7000 वाला डाइट प्लान मैंने इस वक्त सिर्फ 2000 का किया हुआ है। आप नीचे नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी एज, वेट, हाइट, वो डाइट प्लान मंगवा लें, उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ करें, देखें कितने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।